मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बच्चों के लिए एक रेसिपी लाई हूँ। मैंने आटा, कोको पाउडर और कस्टर्ड पाउडर को मिलाकर एक केक बनाया है। हेल्दी रेसिपी है, साथ में बहुत ही इजी भी है। तो चलिए अब हम लोग कप केक बनाने के लिए बैटर तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कप मल्टीग्रेन आटा, जिसे दो बार मैंने ऑलरेडी छान लिया था जिससे कि वो ये हल्का हो जाए, उसमें एयर आ जाए, रख लिया था। और अब मैं फाइनल इसे छानूंगी फिर से, जिसमें मैंने लगभग एक चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। मैंने टीस्पून से डाला है, एक टीस्पून भरकर मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। हाफ टीस्पून में इसमें बेकिंग सोडा डालूंगी। और थोड़ा सा लगभग 2 पिंच मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी, बहुत ही थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट किसी भी फ्लेवर को बहुत ही अच्छा उभारता है। देखिए अब मैंने सभी को मिलाकर अच्छी तरह से छान लिया है। जब भी आप केक बनाएं तो उसे 2-3 बार छान लीजिए, उससे केक बहुत ही हल्का बनता है, क्योंकि उसमें अच्छी तरह से एयर आ जाता है। और आटा में तो वैसे भी आप 2 बार ज़रूर छान लीजिए। अब मैंने इसमें लगभग 2 टेबल स्पून भरकर कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है और इसे भी मैं छान लूंगी। जिसमें कि कोई भी गुठली ना रहे। और अब इसे चम्मच की सहायता से मैं अच्छी तरह मिला लूंगी। और अब मैंने लगभग 1/2 कप चीनी डाला है, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए बच्चे थोड़ा कम मीठा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने 1/2 कप डाला है। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 1/2 कप एकदम ठीक ठाक हुए थे, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं हुआ था। और अब मैंने 1/4 कप लगभग मैंने 1/4 कप इसमें मैंने ऑयल डाला है, लेकिन बाद में डाल दूंगी। पहले मैं इसमें पानी डाल के थोड़ा सा घोल दूंगी। इसको घोलने के लिए हमें किसी भी मिल्क की आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल वाटर से घोलिए, बहुत ही अच्छा बनता है। आप एक बार बना के देखिए, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही टेस्टी कपकेक है। आप बच्चों के बर्थडे पार्टी के लिए बनाइए, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही इजी और सस्ता भी है। मैंने यहाँ पर जो थोड़े मैसअप हो गए थे उसे साफ कर दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को देखना भी है और अच्छा, आप लोगों को अच्छा ना लगे ये तो अच्छी बात नहीं है। और अब मैंने लगभग 3 टेबल स्पून इसमें मिल्क पाउडर डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं भी डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया है चूँकि बच्चों के खाने के लिए, इसलिए डाल दिया है। और देखिए अब मैंने 1/4 कप इसमें ऑयल डाला है। क्योंकि जिस कप से मैंने मेजरमेंट लिया था उसी कप के हिसाब से मैं बतला रही हूँ। अगर आप टेबल स्पून से लें तो 3 टेबल स्पून भरकर ऑयल ले लीजिए। बहुत ही कम चीज़ों में बनी ये बहुत ही अच्छी केक है, बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए तो बहुत ही सूटेबल है, या बच्चे बना के रख दीजिए कप के, बच्चे को खाने में ऐसे भी बहुत मज़ा आता है, बच्चों को, और हेल्दी भी है, बच्चों को पता नहीं चलेगा कि ये आटे से बनी हुई है। और इसमें देखिए मैंने लगभग 1/2 टीस्पून विनेगर डाला है। विनेगर डालने से आपके केक बहुत ही स्पॉन्जी हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला उसे बहुत ही अच्छी तरह से एक्टिवेट कर देगा और हमारे केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाएंगे। और अब देखिए आधा बैटर मैंने अलग कर दिया है, क्योंकि इसमें मैं कोको पाउडर मिलाऊंगी, और इधर मैंने जो कस्टर्ड पाउडर वाला रखा है उसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर मिला दूंगी, क्योंकि बच्चों को थोड़ा बहुत कलरफुल चीज़ें बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए मैंने 1 पिंच इसमें कलर फूड कलर मिला दिया है। ये भी ऑप्शनल है,
आप चाहे तो मिला सकते हैं, अन्यथा नहीं भी मिलाइए। देखिए इसमें कितनी प्यारी कलर आ गई है। अब मैंने कपकेक को जो पहले ही से ग्रीस करके और डस्ट और मैदा से डस्ट करके रखा था, उसे उसमें मैं थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी। मैंने 6 कप लिए थे, 6 में मैंने डाला है और दोनों तरफ मैंने गैस को ऑन कर दिया है, जिसमें कि हमारे कढ़ाई और उधर कुकर, क्योंकि 4 एक में नहीं आएंगे कपकेक के लिए, तो 2 कपकेक को मैं कुकर में डालूंगी और 4 को मैं इधर डालूंगी। कढ़ाई में मैंने नीचे एक प्लेट डाल दिया है। चारों कपकेक को बैटर को मैंने मोल्ड में डाल दिया है और अब मैं दूसरा वाला ले ली हूँ बैटर, जिसमें मैं कोको पाउडर मिलाऊंगी। इसमें लगभग 2 टीस्पून मैंने कोको पाउडर लिया है और उसे अच्छी तरह मिला दिया है। बहुत ही अच्छी तरह से मिला देना है दोस्तों। देखिए अब अच्छी तरह से मिल गए हैं मेरे बैटर। अब मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी सबों में। ये खुद ही इनमें बहुत सुंदर मार्वल इफेक्ट आएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा, अगर आपके पास टूथपिक है तो उससे थोड़ा सा डिजाइन भी बना सकते हैं, लेकिन जब ये गर्म होंगे, जब बेक होने के लिए, तो खुद ही आपस में थोड़ा मिल जाएंगे। मैंने आपको मेजरमेंट दे दिया है, 1 कप में हमारे 6 कपकेक तैयार होते हैं। नॉर्मल साइज के, तो अगर आपको बच्चों के लिए बनाना है तो आप इस हिसाब से बना के रख सकती हैं। बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी ये कपकेक। और अब मैंने पहले से गर्म किए हुए कढ़ाई में केक में मैं 4 डाल दूंगी। और ऊपर से मैं कवर कर दूंगी और इसे लगभग हमें 10 से 12 मिनट तक ये छोड़ देना है और ये हमारे बहुत ही जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसे डायरेक्ट कुकर में डाला है, तो इसे ये लगभग 5 से 6 मिनट में हो जाएंगे। तो देखिए हमने दोनों तरफ चढ़ा दिया है, कुकर में डाला था वो कितनी जल्दी बन गए हैं, उन्हें मैंने निकाल लिया है और निकाल के देखिए अब मैं उन्हें अनमोल्ड भी कर दे रही हूँ। कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफी बने हैं। और साथ में जो कढ़ाई में भी हमने डाला था, तो नीचे में उसमें मैंने एक प्लेट रखा था, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और चूँकि ये कुकर के डायरेक्ट टच में थे इसलिए जल्दी हो गए। अभी एकदम गर्म है, अगर आप हो सके तो थोड़ा ठंडा करके निकालिएगा, लेकिन मुझे आप लोगों को दिखाना है इसलिए मैं गर्म ही निकाल दे रही हूँ। बहुत ही फ्लफी और देखिए एक गर्म बहुत ही है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एकदम फ्लफी बने हैं। देखने में जितने सुंदर हैं उतने खाने में भी टेस्टी और फ्लफी बने हैं। कुकर में जो हमने डायरेक्ट बनाया है वो लगभग 8 मिनट में तैयार हो गए, लेकिन इनमें 10 से 12 मिनट टाइम लगा था। आप चेक करते रहिएगा, 12 मिनट के बाद एक बार मैं इसमें चाकू लगा के देखूंगी, अगर ये हो जाएंगे तो मैं इन्हें निकाल दूंगी। देखिए एकदम स्पॉन्जी बने हैं, एकदम फ्लफी और स्पॉन्जी बने हैं। देखिए
देखिए अब हमारे कढ़ाई वाले भी कपकेक बिल्कुल रेडी हो गए हैं और अब मैंने इसे भी निकाल के अनमोल्ड कर दूंगी। एकदम हो चुके हैं, मैंने इसे 5 मिनट होने के बाद बंद करके छोड़ दिया था और अब मैं इसे निकालूंगी। देखिए कितने मज़ेदार, टेस्टी और सुंदर लग रहे हैं। प्लीज आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा, केक के फाइनल लुक कितने अच्छे आए। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरे कपकेक बहुत ही पसंद आएंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ ही बेल दबाइएगा। तब तक मैं दूसरी रेसिपी लाती हूँ, तब तक आप लोग कपकेक का आनंद लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।